सो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मिट की ओर से अक्टूबर बैच का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी तक फंडामेंटल्स में हमने काफी पढ़ाई की, डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढना, फिर चाहे जीडीपी ढूंढना। और मुझे उम्मीद है अभी जैसे बजट आया तो जीडीपी 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 की बातें हुई होगी, राइट? इसी बजट में कुछ इंडस्ट्रीज की बातें हुई होगी, तो अब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि कैसे बजट आपके जीडीपी को इफेक्ट करता है, बजट में जो जो चीजों की बात की उनका कैसे आपके जीडीपी पे इफेक्ट आता है, राइट? अब ये सब चीजें दोस्तों धीमे धीमे नई नहीं रहेगी, राइट? तो जीडीपी, इंडस्ट्रीज, जी हाँ दोस्तों, बजट से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चलो मैं आया आज बजट के दिन और आज कुछ मुझे यूटर्न वाली कंपनियां मिल जाएगी। और मैं देखता हूँ पिछले इतने सालों से बहुत से लोग, यस पीयूष बजट आज तो बजट का दिन है ना, रेलवे उठाओ, रेलवे जोरदार दौड़ेगा। हम देखते हैं रेलवे बजट के दिन दौड़ता है और फिर वो वापस वही भाव पे आ जाता है, और हम 10 साल 15 साल से देखते हैं वो सब अभी भी अपने आईपीओ प्राइस के नीचे ही चल रहे होते हैं। तो ऐसे कोई यूटर्न ढूंढने का कोशिश मत करो। ये हो सकता है कि कुछ फायदे मिलेंगे बजट से, पर वो प्रॉफिट को पचाने भी तो चाहिए। अब भूल गए वो बातें, सेल्स ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, पर ये सेल्स ग्रोथ को वही कंपनियां पचा पाएगी जिनके मैनेजमेंट अच्छे हैं, जो क्वालिटी वाइज अच्छी है, राइट? नहीं तो कहानी तो ऐसे ही चलती जाएगी, बराबर ना? तो हर बजट से नई कहानियां नहीं बनती है। आप ही के पास जो कंपनियां है वही बजट से फायदा उठाएगी, क्योंकि आपने क्वालिटी को ध्यान में रखा हुआ है, राइट? अगर बजट का फायदा कोई सेक्टर को होना है तो आपकी कंपनी को फायदा होगा। अब मान लो कभी कोई बजट में अनाउंसमेंट हुआ जो आपके सेक्टर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब कि आपकी कंपनी को भी उसकी नेगेटिव थोड़ी इफेक्ट आएगी। पर मुझे बताइए सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आएगी नेगेटिव? वो जो कंपनियां हैं जिनकी ऑलरेडी मार्जिन नहीं है, और मान लो थोड़ा जीएसटी बढ़ा दिया तो वो सब तो बेचारी किधर जाएगी, सीधी पहले साल ही लॉस मेकिंग, राइट? तो चिंता नहीं करने की, ऐसा नहीं है बजट से बहुत बड़े हम लोग बदलाव देखेंगे हमारे सेक्टरों में। इतने सारे सालों से मैं बजट देखता भी हूँ, विश्लेषण करता हूँ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो हीरो है वो सेम रहने वाले। अगर आपके हीरो बार बार बजट से ना कुछ छोटी मोटी घटनाओं से बदलते रहते हैं तो वो हीरो हीरो नहीं, राइट? तो हम यहाँ पे कोई ट्रेडर नहीं है, स्पेकुलेटर नहीं है जो हर नई चीज के पीछे दौड़ेंगे। ये सारी चीजें धीमे धीमे आप लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपने डिमांडिंग इंडस्ट्री देखा, ये भी हम लोगों ने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाया पिछले साल, राइट? ये बजट में क्या हुआ, यही हुआ ना, लास्ट ईयर भी इन लोगों ने जबरदस्त खर्चा किया, तो वो खर्चा को काम किधर लगा? बहुत लोग कहते थे पीयूष भाई एलएनटी चलता है ही नहीं है, बराबर है, ग्लोबल मंदी चल रही थी तो ऑर्डर उनको नहीं मिल रहे थे। देखो इस साल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग किया, आपका एलएनटी लाइफ टाइम हाई, अभी फिर लाइफ टाइम हाई लगेगा, फिर दौड़ेंगे क्या उसके पीछे? नहीं, तो कंपनियां दोस्तों जनरली चेंज नहीं होती है। कुछ हो सकता है बेनिफिट्स मिले हो सेक्टर को तो उससे आपको फायदे होते हैं। अभी इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऐसा ही जोरदार रहने वाला है, क्योंकि पैसा काफी है गवर्नमेंट के पास। टैक्स बहुत अच्छा आप सब लोग भर रहे हो, टैक्स लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई लगाएगा और ये पैसा बचेगा सरकार के पास खर्चा करने के लिए। तो दिस ऑल थिंग्स आर ओवरऑल पॉजिटिव फॉर अवर एग्जिस्टिंग कंपनीज, बराबर की नहीं? यहीं पे जहां पे अपन पैसा डाल रहे हैं यहीं पे बढ़िया रहेगा। सो यू हैव लर्न टॉप क्वालिटी कंपनीज जो आपको काम लगेगा। अब आपने बिहेवियर एनालिसिस भी देखा है, राइट? जिससे बिहेवियर एनालिसिस से आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री समझ रहे हो। सोचो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री जब आपने देखी तो क्या बजट नहीं आया होगा? 20-20 साल के डेटा आप लोगों ने अपने पास रखे हुए, हर साल बजट आया होगा, पर आपकी कुछ कंपनियां उसका पूरा फायदा उठा पाती है, कुछ कंपनियां नहीं उठा पाएगी, राइट? तो हमें वैसे भी वो कंपनियों में इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो बिहेवियर एनालिसिस करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि सिलेक्शन में आपसे गलती होनी चाहिए, बराबर की नहीं? इतना पूरा इतिहास आपने देखा, करंट ट्रेंड आपको समझाता है, आपने करंट ट्रेंड भी जाना कि ओके
रिजल्ट्स कैसे आ रहे थे, अभी तक के नतीजे धमाकेदार थे, जबरदस्त सेल्स। मेरे पे बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, अरे पीयूष भाई कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी बाजार कैसे चल रहा है? अरे कुछ अच्छा नहीं है, तुम किधर से देख के बोल रहे हो? ये कंपनियों के सेल 30-30% बढ़ रहे हैं, मेरे को सेक्टर तो बताओ। आपकी निफ्टी 50 हो या जो भी आप लोगों की कंपनियां हैं, मुझे ऐसी कंपनियां बताओ जिनके सेल्स डाउन हुए हैं। फ्यू कंपनीज, फ्यू सेक्टर्स, वो सेक्टर जहां पे आपको टच रहता था, जैसे पीवीआर जैसे सेक्टर अफेक्टेड होंगे, है ना, वंडरला जैसे सेक्टर अफेक्टेड होंगे, पर बाकी के सेक्टर तो लाइफ टाइम हाई धंधे पे है, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट कर दिया इन लोगों ने, बराबर कि नहीं? तो फिर शेयर कैसे नीचे उम्मीद रखोगे आप? अभी ये क्वार्टर में जो नतीजे आए उन्होंने एक बदलाव दिया है। अब देखो आपने करंट ट्रेंड समझा तो अब आप बदलाव को समझ पा रहे हो कि इस बार के नतीजे नॉर्मल नहीं है, डिमांड ऐसी की ऐसी जबरदस्त है, लेकिन इस बार के नतीजों में प्रॉफिट टूटे हैं। तो ये प्रॉफिट टूटे हैं, इन्फ्लेशन बढ़े हैं इनके कारण से, तो बहुत ही बढ़िया आपको प्रैक्टिकल लर्निंग देगी ये करंट ट्रेंड। पर दोस्तों उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करंट नतीजे डालने पड़ेंगे अपने बिहेवियर में। मैं आशा रखूंगा आप लोगों ने नतीजे अपनी स्प्रेडशीट में ऐड किए होंगे, क्योंकि ये करोगे तब पता चलेगा कि मेरी कंपनी का ट्रेंड कैसा है। अगर ट्रेंड बिगड़ा है तो फिर शेयर करेक्ट होगा ना, इसमें क्या है? देखो बाजार भी करेक्ट हुआ कि नहीं पिछले महीने, क्यों करेक्ट हुआ? सेम इन्फ्लेशन, राइट? तो बाजार करेक्ट होता है, स्टॉक करेक्ट होता है, पर उसके पीछे के कारण भी वैसे ही होते हैं। आपको समझ में आएंगे ये कारण तो हम हमेशा कूल रहेंगे, कूल माइंड, राइट? नहीं तो टेंशन में घूमते रहेंगे, पता नहीं किधर जाएगा बाजार, ये हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, पता नहीं किधर जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ आपने लास्ट 2 हफ्तों से आप चार्ट सीखने का प्रयास कर रहे हो, अभी मैं प्रयास बोलूंगा ना, क्योंकि अभी हमने लिमिटेड चीजें सीखी है। लास्ट वीक आपने कुछ बेसिक चार्ट सीखे, राइट? इस वीक आपने कैंडल्स सीखी, बराबर ना? देखो कैंडल्स, तो ये वीक आपने थोड़ी थोड़ी जो एक एक महीने जो कैंडल बन रही है उसको समझने का प्रयास किया कि ये सब क्या हो रहा है, राइट? ये बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल क्या है? क्यों कुछ स्टॉक्स ने बेरिश कैंडल बनाई? वहां पे थोड़ा डर लगा लगता है कि प्रॉफिट टूटेंगे, राइट? तो बेरिश कैंडल मतलब लाल कैंडल बनी हो सकता है। कोई एक दो नाम याद है आप लोगों को दोस्तों? यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स, विच स्टॉक्स हैव क्रिएटेड अ बेरिश कैंडल ड्यूरिंग जनवरी? यस, एनी हिंट्स? कोई भी, या प्लीज बताइए मेरे को। देखो निफ्टी तो आपके सामने, और निफ्टी को मैं अगर यहाँ पे देखूं, देखो निफ्टी ने बेरिश कैंडल पिछले महीने नहीं बनाया, इधर बनाया था। कैन यू सी? देखो क्या तेजी थी, मस्त एकदम, कितने महीनों से, ये भी हमने लास्ट टाइम गिनी थी, लेकिन नवंबर में करेक्शन आया। ये नवंबर में जो निफ्टी में करेक्शन आया, राइट? उसके बाद हमने दिसंबर में भी लोअर लो, लोअर हाई देखा। एक ही चीज का डिफरेंस है ये दो कैंडल में, कि ये जो कैंडल हैमर जैसी है, नीचे से बाइंग आ गया, राइट? देखा आपने, इधर पड़ा था क्या हैमर? देखो ये बेरिश बुलिश की बात थी, यहाँ पे आप लोगों ने हैमर भी पढ़ा, ये आपका रियल एग्जाम्पल, लाइफ एग्जाम्पल ऑफ हैमर। नीचे से बाइंग आया, और कम से कम देखो जनरली क्या होता है, जब कुछ खराबी होती है तो आपका इंडेक्स या स्टॉक क्या करता है? लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर क्लोज। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर निफ्टी हैव क्लोज्ड एट 17672। ड्यूरिंग नवंबर वी सो लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर क्लोज 6983। तो कितना डाउन, काफी डाउन। अब दिसंबर में भी सेम पैटर्न, लोअर हाई लोअर लो, लेकिन ये कैंडल ग्रीन है। कम से कम इतनी खराबी नहीं है कि प्रीवियस कैंडल के नीचे बंद दे, इसका मतलब कि यहां पे बाइंग आने की संभावना है।
किसी ने पूछा था ग्रुप में, है ना, कमेंट में, कि पीयूष भाई हैमर का मतलब क्या, क्या हैमर का मतलब तेजी? नहीं दोस्तों, ये बेरिश जो कैंडल है ना, ये बताती है कि खराबी है, पर हैमर आपको डायरेक्टली नहीं बताती है कि तेजी है। हैमर आपको कहती है कि तुम खराबी में हो ना, अभी हैमर बनी है तो थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है खराबी आगे ना भी चले, बिकॉज लोअर लेवल से बाइंग आया है। आप कंफर्म कैसे करोगे कि ये जो खराबी है ये आगे नहीं चलेगी और बाइंग आएगा? हैमर को कंफर्म करती है नेक्स्ट महीने की कैंडल। आपको ध्यान हो तो हमने दोस्तों जनवरी में एक इंपॉर्टेंट लेवल ट्रैक करने को बताया था, वो कौन सा होगा, कोई बता सकता है मुझे? एनीबडी? जोश जनवरी, वी सेड दैट वी नीड टू ट्रैक दिस लेवल। ये लेवल अगर जनवरी में क्रॉस करता है, देखो तब बाजार था आपका जनवरी में दिसंबर एंडिंग में 17,354, और हमने ये कहा दोस्तों ये एक लेवल डायरी में लिखो, इसके ऊपर निकलेगा ना तो बढ़िया तेजी आएगी, राइट? या चैट बॉक्स इज ओपन, कौन सा लेवल बताया होगा एनीबडी? अभी मैं आपके बेरिश जो आपने नाम लिखे उस पर भी आता हूं, है ना, बट यस, एनी हिंट हियर? हैमर की क्या चीज हमने ट्रैक करने को बोली होगी? समीर भाई ने 16,600 बोला है, 16,600। पराग सेठ ने 16,698 बोला है, ओके। विजय कुमार ने और नरेश भाई ने बोला हैमर का हाई, दोनों के लिए ताली हो जाए जोरदार, ताली ताली, या वंडरफुल वंडरफुल। सी हैमर को कंफर्म कौन करता है? हैमर को कंफर्म दोस्तों कौन करता है कि तुम गिर रहे हो हर महीना, पर हो सकता है अभी तुम गिरोगे नहीं, वो कंफर्म कौन करता है? अगर अगले कैंडल ये हैमर का हाई कूद के ऊपर निकलती है, तभी कंफर्मेशन मिलता है कि ओके मेरे को चलना है, मैं गिरूंगा नहीं। तो क्या हुआ दोस्तों, जस्ट ट्रैक हियर, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। ये है हाई, देखो 17,640 का हाई था दोस्तों पिछले महीने का, दिसंबर का, दैट वाज हाई ऑफ हैमर। देखो यहाँ पे पिछले महीने क्या हुआ, मैं डेली कैंडल पे आ गया हूं जस्ट टू ट्रैक पिछले पूरे महीने कैसा चला। ये है आपकी जनवरी, देखो पहला दिन था ये, दिस कैंडल वाज द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, 3 तारीख जनवरी। पहले दिन बुलिश, दूसरे ही दिन आपने जो उम्मीद की थी वो हाई के ऊपर, तो ये दूसरे ही दिन निकल गया। कौन सा लेवल था मंथली हाई आपका? 17, लेट मी चेक अगेन, 17,640। एंड जस्ट सी माय डियर फ्रेंड, दिस इज 17,640, इधर इधर 17,640 इधर है ना, जस्ट ऑन द सेकंड डे ऑफ जनवरी वो सीधा खुला ही ऊपर। तो अगर उस दिन आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि बाजार को क्या करना है, बाजार को ऊपर जाना है, और हमने 17,600 से करीबन कहां तक की रैली देखी, 18,400, गुड रैली, राइट? तो ये रैली आपने देखी, 18,400 तक बाजार चला, डेट वॉज अ गुड थिंग, और ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आया, राइट? तो जनवरी में ये क्या बना दोस्तों, कोई मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स का यूज करके, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग जनवरी? देखो आपने उम्मीद की बाजार चलेगा तो चला, पर एंडिंग क्लोजिंग जनवरी का अच्छा नहीं था, क्लोजिंग में ये क्या बना? मैं बजट की वजह से अभी भी फेब्रुआरी बना नहीं पाया हूं, राइट? लेकिन कल मेरा, मैंने अपनी डायरी में गोल लिखा है कि टुमारो आई विल पब्लिश फेबुलस फेब्रुआरी, कि भी फेब्रुआरी में निफ्टी क्या करेगा, तो उसमें मैं क्या लिखने वाला हूं, ये आप अभी से बता सकते हो। ये क्या हुआ दोस्तों फेब्रुआरी में, या लेट मी चेक योर चैट बॉक्स, क्या बात है यार, बढ़िया जा रहे हो सब लोग।
डोजी डोजी पारस पटेल, जिग्नेश कक्कर, विजय कुमार, मुस्ताफिजुर जी, जिग्नेश कक्कर या डोजी, मतलब आपने उम्मीद रखी मैं चलूंगा, तेजी आएगी तो तेजी आई, लेकिन तेजी बरकरार नहीं रही। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाजार नेगेटिव है। देखो डोजी कैंडल बिल्कुल ये नहीं कहता है कि बाजार नेगेटिव है, पर डोजी आपको ये जरूर कहता है दोस्त थोड़े संभल के चलना, तुम तेजी के माहौल में हो, गड़बड़ हो सकती है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इंडिकेटर। देखो जैसे हैमर वॉज नॉट द डायरेक्ट इंडिकेटर कि भाई यहां से यूटर्न आएगा, नेक्स्ट मंथ की कैंडल ने बताया, वैसे ही ये जो डोजी है बाजार चल रहा है, लेकिन डोजी बनी मतलब आप सीधे नेगेटिव हो जाओगे तो डेट वुड बी रॉन्ग। डोजी ने ये नहीं कहा कि सीधा नेगेटिव हो जाओ, डोजी खाली कह रहा है भाई कॉशियस रहना। तो कॉशियस का मतलब क्या, कोई मुझे बता सकता है? फॉर द मंथ ऑफ फेबुलस फेब्रुआरी विच शुड बी माई लेवल द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक, मैं पूरा महीना फेब्रुआरी में कौन सा लेवल ट्रैक करूंगा। दोस्तों क्या टूटता है, क्या किसके नीचे निफ्टी जाएगा, तो मैं ये सोचूंगा कि अब निफ्टी नया लो लगाएगा। और ये जो लो था ना दोस्तों, कौन सा, दिसंबर का लो था 16110, नहीं सॉरी 16410, ये लो को तोड़ के बाजार 16,000 तक आ जाए, ये हो सकता है, राइट? क्या हो तो आपको एडवांस में पता चल जाए कि बाजार 16,000 आने वाला है, राइट? ये 16,000 में कैसे बोल रहा हूं मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अभी हमारे लिए इतना सीखना पर्याप्त है कि क्या हो तो मैं सोचूं कि ये रैली यहां से बंद और बाजार वापस से नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो जाएगा और हम 16,000 जाएंगे। लेट मी चेक योर कमेंट बॉक्स अगेन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप सब लोग बहुत बहुत बढ़िया जा रहे हो, राइट? वंडरफुल, विशाल भाई, नरेश भाई, एवरीवन, डोजी का लो, डोजी का लो। तो ये पूरा महीना देखो जो घटनाएं बननी थी बन गई, बजट ने जो करना था कर दिया। अब हमें 2-3 दिन बाद, पता है आपको दोस्तों, लोग बजट भूल जाएंगे, वो वापस रिजल्ट देखना चालू करेंगे। अरे रिजल्ट कैसे आ रहे, इन्फ्लेशन गड़बड़ कर रहा है क्या, राइट? तो ये जो मंथली लो है पिछले महीने का, डोजी का लो ट्रैक करना है। मुझे यस और नो में जवाब देना दोस्तों। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मुझे क्यों हाई ट्रैक नहीं करना है? इफ यस आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट, और आप थोड़ा विस्तार में बताना कि मेरे लिए हाई जानना जरूरी नहीं, क्योंकि हाई तो मैं उम्मीद करूंगा, हाई लगेगा, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लो जानना। व्हाई? यस एनीबॉडी, इफ यू विल लाइक टू एक्सप्लेन अदर पीपल, ऐसा क्यों कि मैं लो ट्रैक करूंगा ये महीना, बताना चाहे। रोहन भाई आपने कहा वी शुड परचेज इन लो, डेफिनेटली। देखो रोहन भाई, हम तो वेल्थ क्रिएटर है, अगर बाजार लो लगाता है 16,000 आता है तो ये तो हमारे लिए लॉटरी है, बड़ी खुशी की बात है। कि मेरा रिक्वेस्ट है डायरेक्ट अनम्यूट ना करे, राइट? जिसको कहना है हैंड रेज करे, या तो फिर चैट बॉक्स में वो यस और नो लिखे, राइट? या आप यस और नो लिखोगे या हैंड रेज करोगे, दोनों ही केस में हम लोग दोस्तों बात करेंगे, राइट? ताकि मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो मैं क्या कह रहा था अभी, मैं भी भूल गया क्या कह रहा था अभी। या हम लोग क्यों लो ट्रैक करेंगे, राइट? सो यहाँ पे रोहन तारी या रोहन भाई की बात पे मैं जवाब दे रहा था कि वी शुड परचेज इन लो, वी शुड नो सपोर्ट। देखो सपोर्ट आपको पता रहेगा ना रोहन भाई, तो आपको पता रहेगा वेर यू नीड टू बिकम एग्रेसिव, राइट? तो यस डेफिनेटली सपोर्ट आपको पता चलेगा, हम सीखेंगे, राइट? लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा सपोर्ट बपोर्ट की माया जाल में न भी पड़े, फॉल में लेंगे तो सस्ता ही आने वाला है, सो नो नीड टू वरी। समीर भाई ने लिखा है डोजी मेड आफ्टर अपवर्ड रैली, दैट्स व्हाई वी नीड टू ट्रैक लो। तो समीर भाई के लिए ताली तो होनी चाहिए, 100% सही बात है समीर भाई की,
कि हम रैली में है, रिकवरी में है, रैली नहीं है। समीर भाई देखो, दो शब्द होते हैं, रैली कब होता है पता है? ये रैली है जब हम लाइफ टाइम हाई हर महीना लगाते हैं ना, तो इसे रैली कहते हैं, ये रैलिंग मार्केट है। पर अभी हमने पिछले महीने रिकवरी की, हमने लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया, तो इसे क्या कहेंगे पता है? ये खाली हम टूटे और टूटने के बाद खड़े होने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज रिकवरी। सो मैं आपकी बात को ऐसे पढ़ूंगा समीर भाई, डोजी मेड आफ्टर अपवर्ड रिकवरी, दैट्स व्हाई वी नीड टू ट्रैक लो। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट समीर भाई, वंडरफुल, ताली हो जाए समीर भाई के लिए पहले तो, वंडरफुल। मुस्ताफिजुर जी ने कहा है ट्रेंड वॉज हाई, या ट्रेंड वॉज अपवर्ड ट्रेंड, तो मैं तो देखो अपवर्ड ट्रेंड है तो मैं उम्मीद करूंगा हाई लगेगा ये महीना नया, राइट? पर मैं कॉशियस रहने के लिए मैं सीधा प्लेन से कूदूंगा ये सोच के कि हाई लगने ही वाला है, एकदम एक्सट्रीमली बुलिश, लेकिन पैराशूट पहन के कूदूंगा। और पैराशूट क्या है? डोजी का लो, राइट? जब तक हम पिछले महीने के लो के ऊपर है, स्टे पॉजिटिव, वी मे सी A new high in the month of February, लेकिन ये लो टूटता है तो हम 16,000 आ सकते हैं। Since last 4 months, getting higher high, getting rejected. So Paras भाई आपने ये चीज लिखी है। चलो यहाँ पे जिग्नेश भाई भी कुछ कहना चाहते थे, या जिग्नेश भाई you can unmute yourself, कहिए। नहीं कवर हो गया सर। हो गया कवर? चलो बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो देखो हम लोग ये लो ट्रैक इसलिए करेंगे, डोजी बनी है, ये डायरेक्ट डिसीजन नहीं देती है, तो हम लो ट्रैक करेंगे। हम उम्मीद रखेंगे नया हाई लगेगा ये महीने, हम उम्मीद रखेंगे आने वाले कुछ समय में 19,600 हम देखने ही वाले हैं, बट प्रोवाइडेड निफ्टी सस्टेन अबाउट 16,836। तो देखो आपको मेरा मंथली ट्रेंड जानने का कोई जरूर नहीं है, मैं पब्लिश भले कल करूं आपको अभी से पता चल गया है निफ्टी को कैसे रीड करने का, राइट? सो दिस वाज लास्ट मंथ्स डोजी, ऑल राइट। अब मैं वापस से आ जाता हूं, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था यहाँ पे, बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल, तो आप लोगों ने जवाब में लिखा भी कि कहां कहां पे बेरिशनेस हुआ है, राइट? तो लेट मी चेक व्हाट वॉज योर आंसर्स देयर। ओके, लेट मी सी, अब काफी 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 जवाब आए तो थोड़ा मेरे को राजश्री मैडम ने लिखा है मान कैंडल, वो तो बुलिश कैंडल है, बराबर ना? नौकरी में मुस्ताफिजुर जी का कहना है कि कुछ बैरिश बना है, चलो देख लेते हैं नौकरी में। सो हियर इज द नौकरी इन्फो एज। ओके, सो मुस्ताफिजुर जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुस्ताफिजुर जी, क्या चार्ट बताइए, क्या कहता है आपका चार्ट नौकरी का? यह है लॉन्ग टर्म चार्ट, क्या स्टोरी लॉन्ग टर्म बढ़िया है? हायर लो क्या लॉन्ग बढ़िया है, लेकिन okay. लेकिन शॉर्ट टर्म में ओके, थोड़ा आपका आवाज कट कट के आ रहा है यार, मेरे को लगता है थोड़ी कनेक्टिविटी का इशू है। हमने यहाँ पे naukri.com देखा, चलो लॉन्ग टर्म तो जोरदार है, 50 गुना ये आईपीओ से हुआ है अब तक, डिविडेंड भी हर साल देता जा रहा है, राइट? और ये हम लोगों ने आईपीओ के समय से भी लिया हुआ है और हम अभी भी उसको इकट्ठा करते जाते हैं, हम इसमें एक्सट्रीमली बुलिश वर्सों से है, राइट? अब ये जो शेयर है इसका कॉम्पिटिटर शेयर कौन सा है, कोई नाम याद है आपको कि मैं आपकी यहां पे आ जाऊं? इंटरनेट कौन सा मैडम? टीमलीज। नहीं नहीं नहीं, टीमलीज का और इनका तो कंपटीशन नहीं होगा, देखो ये लोग इंटरनेट से काम करते हैं, पर टीमलीज इंटरनेट से काम नहीं करता है, टीमलीज का धंधा तो डायरेक्ट मैन प्रोवाइडिंग का है ना, ये टीमलिस खुद के स्टाफ पे, खुद के पेरोल पे रखता है लोगों को,
राइट right? इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन हुआ? इनकी तरह जो लोग इंटरनेट रिलेटेड काम करते हैं, देखो यहाँ पे इंडिया मार्ट, अरे नहीं सॉरी यहाँ इधर नहीं आएगा, नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं, जस्ट अ मिनट, ये है आपका, किसने काम किया है अपने से, ओके पारस पटेल, इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल। अच्छा मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट सॉफ्टवेयर, नरेश भाई ने काम किया होगा। नरेश भाई और कौन सी कंपनी है आपके इंटरनेट कैटलॉग रिटेल में दूसरी कोई जो बरसों से है? जोमेटो सर। जोमेटो तो अभी आया है ना, अच्छा, तो हम इसको चार्ट में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट? इसमें कोई भी है जिनका पुराना चार्ट होगा? पॉलिसी बाजार, नहीं पॉलिसी बाजार भी अभी आया, कार ट्रेड भी अभी आया, पेटीएम भी अभी आया, नायका भी अभी आया, तो सारी नई नई कंपनियां है, ये लिस्ट में कोई पुराना नहीं, राइट? पर देखो फिर भी मैं एक कंपनी आपको दो तीन कंपनी बताना चाहूंगा, और हमें बहुत सी बार पूछते भी है कि ये कंपनी कैसी, हम उनके चार्ट चेक करेंगे कि चलो हमने अगर वो कंपनी ली होती तो कैसा रहता। ये अपना पूरा पीयर ग्रुप है, और मैं और अंदर जा रहा हूं तो ये जुपिटर आईएसएफटी, नाम सुना सर आईएसएफटी? नहीं सर। क्या ओके, आपके शहर में इनका ऑफिस भी है आईएसएफटी, बताइए कैसा चार्ट है ये नरेश भाई? नहीं खराब चार्ट है सर, कोई रिटर्न नहीं मिला इसमें सर, आईपीओ के भाव पे है ना, ये भी 2010 में आईपीओ आया, नौकरी 2008-07 में आया, तो दोनों ऑलमोस्ट साथ में थे, एक कंपनी 50 गुना ज्यादा है, एक कंपनी सेम भाव चल रहा है, क्यों ऐसा होगा नरेश भाई? डेप ज्यादा होगा सर उनका, फंडामेंटल अपने अपने बराबर की नहीं, जी 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 सर। अब ये तेजी जो है ना यहाँ पे, ये तेजी में लोग फंसते हैं, जो लोग फंडामेंटल नहीं देखते, पर जब ऐसी तेजी आती है और वो एक शेयर है जो इतना जोरदार चल रहा है, तुम्हारे पास नहीं है, ये देखो कितना चला था उस समय पे ये शेयर, ये 50 से 500 मतलब 10 गुना, जी सर। इसीलिए फंसने का नहीं, कोई शेयर 10 गुना हुआ मतलब वेल्थ क्रिएटर, ऐसा नहीं है, हमें 10 गुना ये घटिया शेयर भी होते हैं, यहाँ पे जब मार पड़ी, ये शेयर आपका 854 से मतलब करीबन 900 से 20 रुपया आ गया, सही बात है कि नहीं? तो 900 वाला 20 रुपया यानी लाख के कितने हो गए आपके? 10,000, 9,000 लाख के, 9-10 हजार, 2-10। और दूसरा मैं बताऊं आपको, डिविडेंड भी इसने कुछ नहीं दिया होगा इतने सालों में, तो पैसा बर्बाद हो गया, राइट? अब चलो वो छोड़ो, आईपीओ में लिए हुए आप बोलोगे मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, अरे पर हमने नुकसान नहीं करने के लिए थोड़ी ना शेयर बाजार किया, 10 साल में तो पैसा कितना ही गुना होना चाहिए जो नौकरी ने करके दिया, तो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लोग तो ऐसे फंसेंगे नहीं अपन, राइट? कभी भी कंपनियां चलती है पीछे मत भागो, अगर आपको फंडामेंटली आप कन्विंस नहीं हो, अपने दोस्तों को बोलो तुम लो भाई तुम खुश रहो, मेरे को हर एक कंपनी में नहीं कमाना है, कुछ कंपनियां अपने पास नहीं होगी चलेगा, राइट? तो यहाँ पे मैं वापस मुस्ताफिजुर जी के पास आ जाता हूँ, और अब मैं नौकरी पे के पास आता हूँ कि यस आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड कि हमने ये कंपनी को इतने वर्षों पहले सिलेक्ट किया एंड एक्सट्रीमली हैप्पी। अब अभी क्या चल रहा था यहाँ पे हम लोगों ने ये कोविड में, आपको दिख रहा है कोविड में क्या हुआ था, ये कोविड में गिरावट आई और फिर तो ये जबरदस्त तेजी में चला। अब सोचो लोग कह रहे बुरा बुरा बुरा, राइट? ये कोविड वाला काल है 2020, कोविड में कितना भाव था 3,000, निफ्टी काफी समय बाद चला नवंबर में, पर ये निफ्टी से पहले 3,000 से चल के किधर आ गया, 3,000 से करीबन 7,500 तक रैली कर दिया, इसने पैसा भी अच्छा बना, राइट? अभी ये क्या कर रहा है? यस समझा सकते हो मुस्तफिजुर जी ये क्या कर रहा है अभी? ये क्या बनी थी कैंडल यहाँ पे, दिस वन अक्टूबर में, किसी को नाम ध्यान है ये कैंडल का, क्या एनीबॉडी विच कैंडल इज दिस? इन्वर्टेड हैमर।
या नरेश भाई बिल्कुल सही बात है, इन्वर्टेड हैमर। पर देखो अगेन मैं कहूंगा, इन्वर्टेड हैमर डायरेक्ट नहीं कहता है मैं खराबी है, तो इन्वर्टेड हैमर बनी तेजी में, हमने लो ट्रैक किया। अगर ये लो बनाता जा रहा है मतलब अभी ये करेक्शन मोड में है, टूटना है, राइट। ये हमने बाइंग रेंज हमारा पहले से लिखा हुआ है, तो ये अभी बाइंग रेंज में भी है। आप में से जो लोगों के पास नहीं है डेफिनेटली नौकरी ले सकते हैं ये टाइम पे। जो फॉल में नहीं लेते वो लोग हमेशा रैली में पीछे पड़ पड़ के लेते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि पिछले 1, 2, 3, 4 महीने से ये टूटता जा रहा है, राइट। हमने ये जो 7600 का नियर टर्म टारगेट रखा था ना, ये पहले से रखा हुआ था। कैसे रखा था हम बाद में आप लोगों को भी समझाएंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि ये रेंज से बाइंग आएगा, ये रेंज से रैली 7600 तक आएगी। और मैं अगर यहाँ पे 4500 पे ले रहा हूं, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है बुक करने की, क्योंकि हमने जो यहाँ पे 2500 रुपए भी लिए कोरोना में, ये सारे शेयर हम प्रॉफिट बुक करने का टारगेट रखते थे 7600। फिर चाहे वो 2500 वाले हो, चाहे वो यहाँ पे 4000 वाले हो, या अगेन जो हम 4000 पे लेंगे, इनका हमारा टारगेट क्या है 7600। ये हमारा चेंज नहीं होता है, राइट। अब ये डायरेक्ट 7600 आता तो देखो आप सबको फायदा नहीं होता, पुराने लोग जिन्होंने लिए हुए उनको फायदा, पर अभी टूट रहा है तो ये तो आप लोगों को भी सेम अपॉर्चुनिटी दी, राइट। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, हम लोगों ने यहां पे जब ये चलता नहीं था, देखो इन्वर्टेड हैमर यहां भी बनी थी जनवरी में, 1, 2, 3, 4, 6 महीने नहीं चला, हम घबराए नहीं, हमने यहाँ पे इकट्ठा किया, उसके बाद इसमें रैली आई, या अगेन आपको दोस्तों वही लेवल पे मिल रहा है जो लेवल पे हमने 6 महीने पहले लिया था, सॉरी 10-11 महीने पहले लिया था। अब सोचो आपको ज्यादा फायदा हुआ कि हमें, अगर हमने 10 महीने पहले 4000 पे लिया और आप अभी 4000 पे ले रहे हो तो फायदे में तो आप हो, am I right or wrong? 10 महीने बाद आपको सेम मौका मिल रहा है, राइट? तो ऐसे मौके करेक्शन में मिलेंगे, हम लोग ये करेक्शन का फायदा उठा सकते हैं, राइट? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेरिश बुलिश एक एक महीने की कैंडल आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? बाइंग लेवल टारगेट ये सब देखेंगे, पर अभी इसको थोड़ा टाइम है, बराबर है। एक चीज क्लियर है, हर महीने अभी लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज लगाता जा रहा है। ये महीना भी नौकरी में नीचे से बाइंग आया है, दिख रहा है ना, तो नीचे से बाइंग आया। जब ये टूट रहा था वॉल्यूम नहीं थे, ये महीना जब बाइंग नीचे से आया हुआ है अच्छा वॉल्यूम, मैं उम्मीद रखूंगा कि नया लो ना भी लगे, राइट। पर अभी यस दिस इज माय रेंज। योर नेक्स्ट स्टॉप इन नौकरी के अलावा आप लोगों ने जो लिखा था, पारस पटेल ने लिखा है जुबिलेंट फूड, सो लेट मी चेक। यस पारस जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, दिस इज जुबिलेंट, बताइए मेरे को कैसे नेगेटिव है ये सर प्लीज। ये अभी मतलब एसआईपी मोड में चल रहा है सर। या बिल्कुल, देखो यहाँ पे भी अक्टूबर में क्या बना पारस भाई, हैमर बना सर, इन्वर्टेड हैमर बना है, राइट। लोअर हाई, सॉरी हायर हाई है ये, पर इसने पहली बार लोअर लो और लोअर क्लोज दिया, हैमर के नीचे भी ये गया, राइट। पिछले महीने अक्टूबर में इसने हैमर बनाई, नवंबर में लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज, नवंबर सेम पैटर्न लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज, दिसंबर हायर हाई बनाया, मतलब इसने चलने का प्रयास किया, पर इसने हायर हाई भी बनाया है लोअर लो भी बनाया है जनवरी या। तो अभी हम लोग यहां पे समझ रहे हैं कि ये पिछले 1, 2, 3, 4, 5 महीने से टूट रहा है। तो आप में से कोई ऐसे निवेशक हो पारस भाई जिनके पास जुबिलेंट फूड नहीं है, तो अभी टूट रहा है तो आपको मौका मिला कि नहीं?
देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, मेरे लिए किया हुआ है, जब ये दौड़ रहा था तब से हमने क्या सोचा हुआ है, 4800 से 5200 का टारगेट है हमारा, और हम 3300 से 2500 में ऐड करेंगे। तो अभी ये कौन सी रेंज में चल रहा है? आई रेंज में आ गया, 3300 तो आ गया ना, ये तो मतलब शुरुआत तो अपनी हो गई है लेने की। कब कहां तक टूट सकता है ये 2500? तैयारी रखने की इसमें क्या है, बराबर है? ये रेंज में हम ऐड करेंगे, हम इसका टारगेट क्या रखेंगे, ये जो लिखा हुआ है 4800 से 5200, राइट? बना कैसे टारगेट ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, राइट? पर अभी इतना क्लियर है कि जुबिलेंट फूड लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज लगातार जा रहा है, अभी ये नेगेटिव ट्रेंड में है। अब नेगेटिव ट्रेंड में है तो ऐड करेंगे, इससे पहले भी जब जब हमें ऐसे मौके मिले, देखो बढ़िया फायदा उठाया हमने। सेम स्टोरी आईपीओ से हमारे पास है, अब इसका भाई कौन है? जुबिलेंट फूड के अलावा और कौन सा कंपनी है इसी सेक्टर में, बता सकते हो पारस भाई, जहां पे हम पैसे डाल सकते थे? सर मैकडॉनल्ड्स वाला और नाम नहीं याद आ रहा सर। अच्छा नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो विशाल भाई ने यहाँ पे बर्गर किंग लिखा है, पर देखो बर्गर किंग जो है वो नया आईपीओ है, तो आपको हिस्ट्री नहीं पता चलेगा। देवयानी ये भी नया आईपीओ है ना प्रीतेश भाई, इसका भी हिस्ट्री नहीं पता चलेगा। कोई पुरानी कंपनी नहीं पता है जो जुबिलेंट के साथ ही मतलब बरसों से जिनका आईपीओ आया हुआ है और इसी सेक्टर की है। देखो टॉप क्वालिटी में होगी, आपने जो काम किया हुआ है, किसने काम किया हुआ था टॉप क्वालिटी में, देखने दो मेरे को, देखा ना ये सब चीजें काम लगती है आपको, अभी जितनी आपने उस समय मेहनत की ये सब बेकार नहीं जाएगी। विजय भाई ने किया हुआ है टॉप क्वालिटी में। विजय भाई यार पता करो कौन है, बोलो पुरानी कंपनी इसमें से। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, देखो एक तो स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट यानी मेन लैंड चाइना, बराबर ना? ये होगी शायद आपके सिटी में भी होगी। पारस भाई आप तो सूरत में हो ना? हाँ सर बंद हो गई सर। अरे बंद हो गई, क्या बात है। ओके और विजय भाई, या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो विजय भाई, आप भी क्या, क्योंकि टॉप क्वालिटी में आपने काम किया है तो आपको भी कुछ उसका ज्ञान होगा। ओके आपके शहर में है क्या मेनलैंड चाइना? ओके राइट नो प्रॉब्लम। तो ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट देखो, ये बरसों से मैं तो इसको कभी प्रॉफिट करते देखा नहीं, राइट? अब इनका खाना अच्छा आता है, अच्छा चाइनीज फूड है, लेकिन प्रॉफिट नहीं करते, क्या करें? चाइनीज खाओ लेकिन इन्वेस्ट मत करो। देखो मान लो आप फिर भी कहते हो नहीं मेरे को तो स्पेशलिटी में ही डालना है पैसा, तो क्या हुआ होता अगर हमने यहाँ पे पैसा डाला होता? ये आपका आईपीओ का टाइम 2012, 150 पे दिया, अभी भाव चल रहा है 100 रुपया, सोचो 6 साल हो गए, मजा आएगी अगर ऐसा पैसा अपना बढ़ेगा? 6 साल में डिविडेंड भी नहीं और पैसा भी नहीं पड़ा, राइट? अब ये जब चलता है ना, देखो इधर चला था ये, हर घटिया कंपनी चलेगी, ये इधर 100 से किधर तक चला 200, तो बातें आएगी एक कंपनी 100 की 200 होगी, तुम्हारे पास नहीं है क्या यार? लोग 200 पे लेते हैं, फिर वो मल्लो लगाती है 50 का। जो लोग खाली भाव देख के लेते रहते उन वो लोग प्रॉफिट करने ही नहीं वाले कभी, क्योंकि बेस पता नहीं है उन लोगों को, राइट? जब आपने बेस देखा तो आप ऐसी कंपनी लेने नहीं वाले हो। चलना है उतना चल तू, मैं तेरे को नहीं लेने वाला, राइट? जी सर। ये है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और जुबिलेंट फूड का चार्ट तो हमने देखा। दूसरा एक कंपनी भी यहाँ पे है, ये कॉफी डे। कॉफी डे भी मेजोरिटी ऑफ दी जो बड़े शहर है वहां पे सीसीडी है ना, तो सीसीडी भी एक मतलब सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, पर इन्होंने भी कभी प्रॉफिट नहीं किया, डेब बर्डन में थे और डेब बर्डन के कारण इन्वेस्टरों का इनके ऊपर बहुत प्रेशर था, और जो इनके जो फाउंडर थे उनकी दुखद घटना हो गई हमको पता है, राइट? कि डेथ हो गई उनकी। तो कॉफी डे
एक कॉन्सेप्ट अच्छा था, राइट, अच्छा है और अच्छा रहेगा, बट वेल मैनेज्ड नहीं था, हाई डेप्थ थे। अब कभी इन्होंने प्रॉफिट किया नहीं, पर आप बोलोगे नहीं पीयूष भाई कभी तो करेगी प्रॉफिट, मेरे को तो कॉफी डे ही लेना है, तो दिस इज कॉफी डे। मैं तो कल ही कॉफी पी के आया यहाँ पे, तो नहीं मैं तो यही शेयर लूंगा। देखो क्या हुआ, 2015 में आईपीओ आया 300 पे, अभी 60 रुपया प्राइस है, राइट, इट्स गुड। क्यों पैसा नहीं बना दोस्तों? आपके फंडामेंटल में पहले से क्लियर ही है क्यों नहीं बना। तो देखो फंडामेंटली आप लोगों ने जुबिलेंट सिलेक्ट किया था, उसके कुछ कारण थे, और कमा के भी किसने दिया? यही कंपनी कमा के दे रही है, ऑलराइट। तो अभी ये करेक्शन में है, दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही, देखो आप लोग चार्ट को प्रॉपर ट्रैक करते जा रहे हो, मैंने आप लोगों के दो नाम तो देख लिए, नौकरी, जुबिलेंट, अभी हम बेरिश पे बात कर रहे हैं। मुस्तफिजुर जी ने डिमांड भी कहा है, लेट मी चेक डिमांड। अरे क्या बात है, बढ़िया एकदम, है ना। देखो जब हमने 50-50 जो हमारा टारगेट था, हमने कहा था 5% बुक करते इधर, तो बहुत से लोग कहते थे नहीं मेरे पास तो बहुत पैसा है मैं क्यों बुक करूं, तो नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। देखो नहीं करेंगे तो भी चिंता नहीं है, वापस 5200 नहीं 10000 आएगा ही, पर एक लेवल होता है जहां पे आपके अर्निंग बहुत कम है। हमने रिजल्ट के दिन ही अपडेट किया कि नहीं कि लोअर लेवल पे बाय करेंगे। अब देखो लास्ट मंथ इसने क्या बनाया, किसने लिखा था डीमार्ट का नाम? मुस्ताफिजुर जी। या अगर आप इंटरनेट क्लियरिटी है, यस, आप बात करना चाहो इस पे बात कर सकते हो। लास्ट मंथ वी सॉ लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज। तो ये महीने भी क्या बन सकता है? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज। तो अगर डीमार्ट लो लगाता है तो बोलना नहीं पीयूष भाई ये क्यों टूट रहा है, टूटना ही है, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नेगेटिव है, इट्स ऑल राइट, हमारे पास माल पड़ा हुआ है डीमार्ट का भर भर के, राइट। बट यस वी नो अब ये टूट रहा है तो हम इसको एक्यूमुलेट कर पाएंगे, बराबर। हमने लिख के तो रखा हुआ है 3400 पे लेंगे, पर 3400 की वेट थोड़ी ना करेंगे, राइट। पूरे फॉल में हम थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, अभी तो हम बिल्कुल प्रिपेयर है, यस, लोअर आई, लोअर लो, लोअर क्लोज के लिए तैयार रहे डिमांड। तो बिल्कुल आपने बढ़िया यहाँ पे बात रखी हुई है, दिस इज डिमांड, और हमने इसको कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरे सब चार्ट्स के साथ, राइट। ये है आपका वीमार्ट, दिस इज वीमार्ट रिटेल। डीमार्ट के चार्ट और वीमार्ट के चार्ट में क्या डिफरेंस है? यस एनीबॉडी? ये आपका वीमार्ट फ्लक्चुएशन ज्यादा है सर, हाई फ्लक्चुएशन, मतलब ये लंबे लंबे समय तक नहीं चलता है, टूटता है तो जबरदस्त टूटता है। अभी भी प्री कोरोना जो लेवल है ये वीमार्ट का, ये है ध्यान रखो दिस वन, कोरोना से पहले ये 3300 था, अभी 3700 है, तो क्या बड़ी बात है, राइट। पर अगर डीमार्ट है मेरे पास, ये है प्री कोविड लेवल 2019-20, दिस वन, ये कोरोना में टूटा था, देखो ये 2500 रुपया था, अभी 4000 है, राइट। तो ये आउट परफॉर्मर है, बराबर ना। तो आप बढ़िया में रहोगे, पैसा मिलने ही वाला है, जब गिर रहा है एक्यूमुलेट करो, राइट फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे कुछ बेरिश कैंडल का देखा, दोजी, हैमर, जैसे जैसे दोस्तों आप लोग चार्ट देखोगे ना, आपको दोस्तों क्लियरिटी आती जाएगी, राइट। हमने अभी खाली कुछ कैंडल को समझने का प्रयास किया, अभी हमने और कुछ नहीं किया है, नेक्स्ट वीक हम इनपे काम भी करेंगे, राइट। पर अब लास्ट वीक जो कंपनियों के नतीजे आए दोस्तों, मुझे बताइए कि आप लोगों ने वो नतीजों को अपडेट किया है? अगर यस, तो हम आप में से जो भी व्यक्ति ने अपनी ये बिहेवियर स्प्रेडशीट में लेटेस्ट नतीजों को ऐड किया है,
हम आपके लेटेस्ट नतीजे दोस्तों देखना चाहेंगे कि आपने जब 9 मंथ के नतीजे ऐड किए उसकी क्या इफेक्ट, क्या उम्मीद रख रहे हो अभी आप इस साल वो कंपनी में। मुझे आपसे दो चीज जाननी है, आपने उम्मीद किए थे वैसे नतीजे आए कि बुरे आए या अच्छे आए, और दूसरा जानना है अब क्या, अब ये किधर जाएगा, राइट। तो देखो आप प्रेडिक्ट करने वाले, वंडरफुल। लेट मी चेक, चैट बॉक्स ओपन है, किसने किया हुआ है, ओके, मुस्ताफिजुर रहमान, यस, जस्ट लेट मी चेक, ये आपने इसी का जवाब दिया कि यस, पुराना बात रखी आपने, ओके, विजय कुमार जी, फिर बीईएल, ओके, यस, आपने इसी चीज पे बात रखी है ना, राइट, सो ओके, युवराज सिंह चौहान, आपने बीएल नाम लिखा हुआ है, ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पे मुस्ताफिजुर जी, उनका सबसे पहले यस आया है, तो देख लेते उन्होंने कौन सी कंपनी अपडेट की है। यस कहिए सर। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओके, वंडरफुल, चलो अच्छा कंपनी पे काम किया आपने। लेट मी ओपन जेएसडब्ल्यू स्टील, ओके, सर आपने क्या उम्मीद रखी थी यहाँ पे, 9 मंथ तो चलो अभी आपने डाल दिए डेटा, पर 9 महीने के डेटा देखे उससे पहले आपने क्या उम्मीद रखी थी कि कैसे नतीजे आएंगे? सर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों इसके पहले जैसे था उससे बेहतर हुआ। ओके ओके, तो मतलब आपकी उम्मीद के हिसाब से नतीजे आए, हम ये कह सकते हैं? हाँ सर, राइट, ओके, तो मेरे को बता सकते हो ये रहे, वाओ, चलो हम नतीजे थोड़े देख लेते हैं। सर 80% सेल्स ग्रोथ, ये तो कमाल की बात है कि नहीं? सर, हाँ सर, राइट, मतलब कंजप्शन बढ़ रहा है, इवन एक्सपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं, अच्छा मेटल स्टील कंजप्शन, हाँ। इंडिया में भी डोमेस्टिक कंजप्शन अच्छा हुआ। देखो अभी बजट में भी हमने बातें सुनी कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बहुत किया है, तो उसकी इफेक्ट भी स्टील की कंपनियों पे आई, तो स्टील की कंपनियों के धंधे बड़े नहीं है, जबरदस्त बड़े हैं, 80% इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट, पर ये पहले से मेंटेन है, क्वार्टर वन में नहीं था खाली, बराबर, पर H1 क्वार्टर वन में, तो इस बार भी वो लॉकडाउन वाला हाल था, वेव टू, बराबर ना, पर H1 हमने देखा 700% ग्रोथ, 9 मंथ 80% ग्रोथ, मतलब सेल्स अभी भी बरकरार है। खर्चे कितने बढ़े मुस्ताफिजुर जी? सर खर्चे 57% दिख रहे मुझे आपके डेटा, हाँ सर 57% है ना, फिर भी सेल से कम है। हाँ देखो असल में क्या है ना कि इनके खर्चे ज्यादा बढ़ने चाहिए, राइट, इनके खर्चे इसलिए ज्यादा बढ़ने चाहिए थे रहमान जी, क्योंकि ये जो कंपनी का सबसे बड़ा जो खर्चा है वो फ्यूल भी है, एक रॉ मटेरियल होता है और एक फ्यूल, राइट, आयरन ओर में से मेटल बनता है, स्टील बनता है, तो आयरन ओर एक खर्चा है, और दूसरा फ्यूल का कंजप्शन बहुत होता है इनके, इनको बनाने में। तो मैंने बरसों से इनके नतीजे देखे हैं, तो मैं एक चीज हमेशा पहले से ध्यान में रखता हूं कि जब जब पेट्रोल के, जब जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं, तब तब जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियों के प्रॉफिट डाउन हो जाते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार क्रूड के दाम बढ़े, फ्यूल के दाम बढ़े, डीजल के बढ़े, तो भी खर्चे क्या हुए वो प्रमाण में नहीं बदले, एम आई राइट रहमान जी? यस सर, तो मैं यहाँ पे गलत हो गया, और मेरे को बहुत खुशी की है इस बात की कि चलो मैं गलत हो गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा फियर था कि प्रॉफिट इनके डाउन आएंगे, राइट, इन्होंने अपने नतीजों में लिखा है कि फ्यूल का कंजप्शन हमारा बढ़ गया, दैट इज नेगेटिव, तो वो तो वही हुआ जो हम सोच रहे थे, लेकिन
जो इनका रॉ मटेरियल की उपलब्धि थी वो इनको सस्ती हुई। आपने पढ़ा ये चीज पीडीएफ में इन्होंने लिखा हुआ है नतीजों में? सर इलैबोरेटली नहीं पढ़ा है। या तो देखो यही चीजें अपने को काम लगती है रहमान जी, राइट, कि हम तो सोच रहे थे खर्चे बढ़ के आएंगे पर खर्चों में काबू आ गया क्योंकि रॉ मटेरियल मतलब आयरन ओर की जो उपलब्धि है वो इनको अच्छे दामों में हुई। तो देखो दोनों चीजों ने इनको बचाया, डिमांड जबरदस्त है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, 57% का खाली खर्चा हुआ तो इनके प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़े? 200%, राइट, सो दैट्स ग्रेट। इनके मार्जिन आपने गलत लिखे हैं, ये कैसे मार्जिन हुए 580%? कुछ गड़बड़ की है, हाँ उल्टा किया है रहमान जी। देखो ऐसा करने का इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करने का, क्या आ गया 17% मार्जिन है अभी इनके, और लास्ट ईयर इनके मार्जिन थे 9.6, राइट सर। तो देखो मार्जिन भी इनके 80% से बड़े हैं, दिख रहा है ना आपको, राइट, इनकी डेप पेइंग कैपेसिटी भी बड़ी है। देखने दो मेरे को आपने सही लिखी है कि नहीं, ओके, मैंने फाइनेंस को प्लस किया हुआ है और ये कभी भी परसेंटेज में नहीं होती है डेप पेइंग कैपेसिटी, ये नंबर में होती है, राइट। देखो पिछले साल तो बुरे हाल थे डेप पेइंग कैपेसिटी के, 8 यानी अच्छा नहीं है पर इम्प्रूवमेंट है, राइट, 208। अब इसको हम करंट ट्रेंड में कैसे ढालेंगे रहमान जी? ये रहा आपका करंट ट्रेंड, आपने क्या उम्मीद रखी है इस साल से? सेल्स 35% एंड 20%। आपने 30 और 40 लिखा हुआ है यहाँ पे एस्टिमेट में, बराबर ना? चलो देख लेते हैं कि 30-40 रखने से बराबर आता है। देखो पहले तो 30% जो है ना वो थोड़ा कंजर्वेटिव है ना, क्योंकि 9 महीने में 80% ग्रोथ है तो 30 तो बिल्कुल कंजर्वेटिव हुआ, मतलब इतना तो होना ही है इनका। ये 9 महीने में धंधा कितना हुआ है 80,000 करोड़। देखो पिछले पूरे साल धंधा कितना किया था इन्होंने, 80,000 करोड़, राइट, मतलब पूरे साल का धंधा इन्होंने 9 महीने में कर दिया है। अब ये क्वार्टर में जो आता है ये सब बोनस ही है, राइट, तो 30 कंजर्वेटिव है, चलो अच्छी फिगर आपने ली, हम 30 लेके चलते हैं। तो 30 के हिसाब से इनका धंधा कितना होगा इस साल बताओ, 1,03,000 करोड़ का, यस? हाँ सर। तो देखो हम लोग कहते हैं रहमान जी की इंडिया में लाइन लगने वाली है कंपनियों की, लाख लाख करोड़ की कंपनियां तो ऐसे ही इंडिया में निकलेगी, लोग देखते रह जाएंगे। देखो एक और कंपनी आपकी अवर इंडियन कंपनी टू क्रॉस 1,00,000 करोड़, तो एक प्राउड लेने वाली चीज है, राइट, ये क्यों हो रहा है? ग्रोथ के कारण। ऑफ कोर्स सर, 1,00,000 करोड़ का धंधा होगा ये आप अभी से कह रहे हो, राइट, प्रॉफिट 11,000 करोड़, इसको मार्जिन से टैली करें। देखो कितना मार्जिन हुआ ये 11%, है ना, अभी का इनका मार्जिन कितना है देखो 17%, राइट, वैसे 17% जो मार्जिन है इनका अभी है, आप कम से कम मेरे हिसाब से 15% मार्जिन की उम्मीद रख सकते हो रहमान जी। तो ये जो प्रॉफिट का जो अंदाजा है ये थोड़ा कम है ऐसा लगता है, राइट, मान लो इधर जस्ट मैं आपको कह रहा हूं रिकमेंड, मैं कहूं ऐसा करने का जरूर नहीं है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, बट अगर मैं यहां पे ये सोचता हूं कि 40-50% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, 60% से बढ़ेंगे तो आपके मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, 60% जैसा तो ग्रोथ आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, बराबर है।
मार्जिन के हिसाब से हमने देखा, उसके अलावा और एक चीज भी देखोगे, ये आपका ट्रेल ईपीएस कितना लिया है आपने, 75, बराबर है ये 75, बिल्कुल सही है ना ईपीएस आपका ट्रेल ईपीएस, आवाज नहीं सुनाई दे रही है? नो रहमान जी आपकी आवाज बहुत नहीं लगा, इशू सर, राइट राइट, आपने जो बोला समझ में नहीं आया, आवाज सुनाई नहीं दी, राइट, लेकिन चलो मैं मान के चलता हूँ 75 का ट्रेल ईपीएस है। अब आप देखो आपके हिसाब से जो प्रॉफिट आएंगे, आपने जो अनुमान लिया है प्रॉफिट का उसके हिसाब से तो ईपीएस खाली 46 का आ रहा है, तो मतलब नहीं नहीं रहमान जी आपका बिल्कुल आज नेटवर्क में बहुत बड़ा इश्यू है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो आप कह रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पे बात करता जा रहा हूँ, हो सकता है क्लियरिटी हो जाए आपको। मैं मेरे डेटा में देख लेता हूँ, देख लू मैं कि मैंने जस्ट लेट मी चेक जेएसडब्ल्यू स्टील, हमने ट्रेल ईपीएस ओके, मेरा तो 90 आ रहा है ट्रेल ईपीएस जेएसडब्ल्यू का, है ना 90, तो कहां पे प्रॉब्लम है, 18 29 24 17 देखने दो, मेरे में तो प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है मेरा तो आपके में कहां पे प्रॉब्लम है, 18 29, अच्छा क्वार्टर थ्री में आपने 14.25 लिखा हुआ है, नहीं तो ईपीएस लेट मी चेक, चलो अभी मैं चेक कर ही लेता हूं, आपने गलती की कि मैंने गलती की, बराबर है जेएसडब्ल्यू स्टील, देखो इधर भी ट्रेल ईपीएस ऑलमोस्ट 74.81 पर, ये स्टैंड अलोन होता है, ये गलत होता है, हम कंसोलिडेटेड ही देखेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट दिसंबर के नतीजे और कंसोलिडेटेड 18.14, तो बिल्कुल सही है ये 18.14 क्वार्टर थ्री में हमने लिखा हुआ है और आपके डेटा में है 14, तो इधर ये क्यों 14 लिखा फिर आपने, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या, 18 पॉइंट मैं सुधार देता हूँ, स्टैंड अलोन लिया था, स्टैंड अलोन नहीं, पर देखो स्टैंड अलोन नहीं लेने का ना, कंसोलिडेटेड ही लेने का, नहीं तो रिजल्ट आपके प्रॉपर नहीं रहेंगे, राइट, तो इसको थोड़ा सुधार देना, इतना मेरे हिसाब से देखो मैंने कितना अंदाज लिया है पता है, धंधा मेरे हिसाब से जो सेल्स ग्रोथ है मैंने 75% की उम्मीद कर रहा हूं और मार्जिन 15% के रहेंगे ये मैं उम्मीद कर रहा हूं, तो मेरा उम्मीद है 2022 मतलब इस साल ईपीएस 91 का होगा और 21,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी आपकी कंपनी। आपके हिसाब से आपकी जो कंपनी है वो 13,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। अब 13,000 करोड़ में मैं आपको बता दूं कि रहमान जी 14,000 करोड़ तो वो अभी कर ही रही 9 महीने में, तो मतलब ये एस्टिमेट बहुत कम हुआ है ना, देखो 14,000 करोड़ तो 9 महीने का प्रॉफिट है, तो हम पूरे साल में 13,000 करोड़ तो उम्मीद नहीं रखेंगे, राइट, तो आपको अपनी उम्मीदों को बढ़ाना पड़ेगा, राइट सर, तो ये प्रॉपर आपका ट्रेल ईपीएस यहाँ पे आएगा, राइट, तो यस जेएसडब्ल्यू स्टील एक अच्छे लेवल पे भी है और हम इसमें जरूर अच्छी तेजी की उम्मीद करेंगे, राइट फ्रेंड्स, अभी आप लोग चार्ट सीख चुके हो तो चलो इसका थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं। यह है जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट। चलो मैं आपको दूसरी एक कंपनी भी बताता हूं जेएसडब्ल्यू के साथ, ये जेएसडब्ल्यू है और सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है स्टील में, आयरन एंड स्टील की सबसे बड़ी कंपनी, यस यू कैन यूज योर चैट बॉक्स टू गिव द आंसर, टाटा स्टील, टाटा स्टील सर, लेट मी चेक,
तो क्यों हम टाटा स्टील नहीं लेते? क्योंकि टाटा स्टील क्वालिटी वाइज जेएसडब्ल्यू जैसी है, ह्यूज डेप्ट बर्डन। अब जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील के लॉन्ग टर्म बिहेवियर में कोई फर्क है? चलो देखते हैं। यह है आपकी टाटा स्टील, ये इनका 2008 का प्राइस है। 2008 में इनका भाव 900 रुपए था और अभी इनका भाव 1200 रुपए है। मतलब पिछले 12 साल में कितना डिफरेंस हुआ, 900 और 1200, मतलब ये अच्छे रिटर्न हुए। इसको आप जेएसडब्ल्यू से कंपेयर करके देखो। देखो हम करीबन दशक से जेएसडब्ल्यू रिकमेंड कर रहे हैं ड्यू टू फंडामेंटली, और देखो रिटर्न भी कितने बढ़िया मिले जो टाटा स्टील ने नहीं दिए। जेएसडब्ल्यू स्टील 2008 में कितना था? 100 रुपया। अभी है ये 600 रुपया। मतलब ये पिछले 12 साल में कितना हुआ, हाई से गिन रहे हैं तो भी छह गुना। और टाटा स्टील कितना, खाली 25% रिटर्न 12 साल में। तो मतलब साल के 2% रिटर्न दिए हैं, तो उससे तो अच्छा होता है एफडी में डल लगा लिए होते पैसे, राइट? तो देखो आपको जो फंडामेंटली मिलता है वही रिफ्लेक्ट होता है चार्ट में, राइट सर? यहां पे ये जबरदस्त बड़ी बुलिश एंगलफिंग बनी, ये लाइव, ये बढ़िया, कितने बड़े वॉल्यूम के साथ। ये है वो बजरंग कैंडल, हनुमान कैंडल जो हम कहते हैं इंग्लिश में, नाम बोलेंगे बुलिश एंगलफिंग कैंडल। तो ये कैंडल बनी है और इसने आपको अभी से बता दिया है कि मेरे को किधर जाना है, पता है? देखो मैंने टारगेट लिखा होगा, किधर जाना है, 1100। तो ये कैंडल बनी, इसने पहले से आई भी क्लियर कर दिया है कि बुलिश एंगलफिंग मतलब तेजी का घोड़ा है ये। अभी ये पिछले कुछ महीनों से आराम कर रहा है, सो दिस इज अपॉर्चुनिटी। सोचो यहां से सीधा 1100 जाता तो आपको मजा आती, कि ये 550 होके 1100 जाए तो मजा आएगी, नीचे आएगा तो सस्ता खरीदेंगे ना। तो डेफिनेटली ये एक एसआईपी का स्टॉक है, एक्यूमुलेट करना चाहिए। 1100 मेरे हिसाब से आप 2 साल में देखोगे, राइट? फंडामेंटली भी तो यही चीजें है आपके सामने, जबरदस्त बढ़िया नतीजे है इनके, राइट? आपके इसी के हिसाब से हम इसको 2030 तक तो 3,00,000 करोड़ पार करता हुआ देखेंगे, 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी कंपनी, राइट? सो यस, हम ये कंपनी को अच्छा रैली करता हुआ जरूर देखेंगे। डन, बोथ द वे वी हैव सेड टेक्निकली एंड फंडामेंटली। सो दिस इज जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अलावा मेरे ख्याल से अभी जब ने सबको पूछा, आपने बीईएल कहा था शायद, है ना? जस्ट मेरे को लाइन टू लाइन जाने दो ताकि हम 2-3 कंपनी तो चेक कर सके। युवराज सिंह चौहान, यस युवराज जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग युवराज भाई, आपने कौन सी कंपनी पे काम किया? बीएल सर, बीएल। अच्छा, भारत इलेक्ट्रॉनिक, क्या बात है, नतीजे आ गए? ओके, मेरे तो देखने बाकी है, मेरा निवेश है उसके अंदर बरसों से, लेकिन मैंने नतीजे नहीं देखे, तो मेरे को थोड़ा पता नहीं कैसे नतीजे आएंगे। चलो इधर मैंने कर दिया बी है, आपके साथ हम लोग देख लेते कैसे नतीजे हैं। ओके, सबसे पहले मैं करंट ट्रेंड देख लेता हूँ। क्वार्टर में डाउन था, H1 में 10% था, प्रॉफिट 38% प्लस थे, तो 9 महीने की उम्मीद करीबन हम रख सकते थे, राइट? ये ग्रोथ देख के, H1 का ग्रोथ देख के, कि भी 9 महीने में चलो बढ़ोतरी आएगी, राइट? अब यहाँ पे कैसे आए 9 महीने के नतीजे सर? प्रॉफिट उसका सेल्स बढ़ा है सर 25% से, और उसका प्रॉफिट हुआ 69%। भी ये अगर ये सेल्स 25% से बढ़ा है, yes, और 6 महीने में खाली 10% से बढ़ा था, तो मतलब बहुत ही अच्छे नतीजे है ये। डिमांड बढ़िया है ना? यस। और देखो अभी बजट में भी क्या बात हुई युवराज भाई, कि पिछले साल अपनी सरकार ने क्या किया, 58% माल डोमेस्टिक कंपनियों से खरीदा। तो डोमेस्टिक कंपनियों में होगी बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां, पारस डिफेंस और काफी कंपनियां हैं,
और वो सबको ऑर्डर ऐसी बड़ी कंपनियों से मिलते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एचएएल जैसी कंपनियों से। तो बीएल को काफी ऑर्डर मिले होंगे और इस साल सरकार ने टारगेट 68% का रखा है, मतलब और बढ़िया डिफेंस में धंधा बढ़ेगा इनका, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। सेल्स 25%, मतलब गुड। ओके, इनके खर्चे कितने बढ़े? सर कॉस्ट 21% से बढ़ी है। तो मतलब जितने धंधे बढ़े उतने तेजी से खर्चे नहीं बढ़े। यस सर, है ना, तो मतलब इनको वो इनको खर्चों में इतने प्रॉब्लम नहीं आए, राइट? यस, ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है, बिल्कुल डेब्ट नहीं है। इनके जो प्रॉफिट है ये कितने परसेंटेज से बढ़े? 70%। यस सर, तो ये 70 से क्यों बढ़े? क्योंकि धंधा 25% से बढ़ा है तो प्रॉफिट 25 से बढ़ना चाहिए, पर ज्यादा प्रॉफिट क्यों बढ़े? क्योंकि खर्चों में इन्होंने क्या किया? कम किए, राइट? खर्चे कम होने की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया बढ़ी है। देखो इनके मार्जिन भी कितने बढ़िया हो गए, 10% से 14%, तो एवरीथिंग इज गुड, अच्छा इम्प्रूवमेंट है और इसकी पॉजिटिव इफेक्ट रहेगी आने वाले टाइम, राइट? अब चलो ये तो मैं यहाँ पे देख लिया, पर यहाँ पे आपने ये पैटर्न बराबर नहीं किया है। देखो कैसा करने का, मैं थोड़ा चेंज कर लूँ इसको। यस, देखो ये उठा के ये ऐसा आएगा, ओके, ये देखो प्रॉपर पैटर्न। क्वार्टर वन -5, H1 10, 9 month 25। अब आपने उम्मीद क्या रखा बताओ युवराज जी? सर यानी कि ऐसा किया था मैंने, उसका मीडियन किया था, मेरा प्रॉफिट था 27% का। मीडियन नहीं करने का इधर, देखो मीडियन नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये तो ट्रेंड है, बराबर ना? माइनस से पॉजिटिव 10, 10 से 25, तो मैं करीबन 25-30% तो सेल्स उम्मीद रखूंगा, मैं यहाँ पे 30% भी उम्मीद रख सकता हूँ। yes. क्योंकि ट्रेंड इज पॉजिटिव, कोई चिंता की बात नहीं, राइट? 9 महीने बीत चुके, खाली 3 महीने बाकी है, तो मैं यहाँ पे 25% कर देता हूँ। मेरे को उम्मीद नहीं है कि 25% से भी कम इनके नतीजे आए, राइट? मैं कंजर्वेटिव हो गया, मेरे को उम्मीद कितनी है 30%, पर मैंने सोचा चलो थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते, राइट? अब प्रॉफिट 40 थे, 69 हुए, 25-27 जैसा। देखो 50% तो होने ही चाहिए, ओके, 25 तो आप पूरे साल ही नहीं रहे हो, ओके, बराबर की नहीं, तो 25 बहुत कम हो जाएगा युवराज, ओके, राइट? यस, ओके। चलो मैं यहाँ पे अभी 25 और 50 उम्मीद करके चल रहा हूँ, है ना? ओके, ओके। अभी देखो करंट ईयर 25, प्रॉफिट 50%, ईपीएस 50%। इन डेटा के आधार पे मुझे बताओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक ने देखो पिछले साल तो लाइफ टाइम हाई लगा ही दिया था सेल्स, राइट? क्या इस साल लगाएगा नया हाई सेल्स वाइज? लगाएगा सर, क्योंकि पिछले साल जितना तो उसने कर दिया है मेरे से। पिछले साल जितना तो हो ही गया है, राइट? तो ये इस साल हम भारत इलेक्ट्रॉनिक में 18,000 करोड़ का धंधा उम्मीद करेंगे। यस सर, प्रॉफिट तो बढ़िया है एकदम, देखो पिछले साल लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट थे तो भाव भी लाइफ टाइम हाई था, राइट? अभी इस साल भी नया लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आएगा, तो आपका भाव नीचे बहुत ही आएगा। 3,000 करोड़ का प्रॉफिट की उम्मीद करो, ईपीएस 13 का होगा, तो आपका फेयर वैल्यू कितना हुआ? 190, राइट? अभी क्या भाव चल रहा है? 260 फेयर वैल्यू के नजदीक, महंगा नहीं है, yes, आपके फेयर वैल्यू के करीब ही चल रहा है, लेकिन yes. हम अभी विश्लेषण अभी पूरे कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, थोड़ा क्रॉस टैली करें ना, yes, किससे करना चाहिए पता है? एक तो मार्जिन से करना चाहिए, मार्जिन देख लो कितने है, कैसे किया पता चला ना, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, मार्जिन आया आपके, राइट? अभी चेक करो अभी मार्जिन कितने हैं,
नाइन मंथ किधर गया? आपके मार्जिन तो 14% है। हाँ, यस सर। राइट, तो मैं 18% मार्जिन अगर उम्मीद करूंगा तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस। तो मेरे को क्या घटाना पड़ेगा अभी? ये उम्मीद 40%। राइट, 40% पे भी 17% आ रहा है, 35%। राइट, तो चलो दोनों जगह पे मैंने प्रॉफिट को थोड़ा नीचे किया ताकि मेरे मार्जिन सेट हो। राइट, ये मेरे को अभी सही लग रहा है। चलो अभी ये मार्जिन पे भी थोड़ा टैली होगा, 25, 35, 35। दिस इज अवर एस्टिमेट, हमने हमारे एस्टिमेट थोड़े डिक्रीज किए। ईपीएस कितना चल रहा है? 11 रुपए का। और देखो आपका ईपीएस कितना आया? 12 रुपया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब आपका अंदाजा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लाइफटाइम हाई सेल्स, लाइफटाइम हाई प्रॉफिट करेगा। डन मेरी बात? यस यस। तो अभी चार्ट देखे? यस। चलो चार्ट देख लेते हैं। दिस इज भारत इलेक्ट्रॉनिक चार्ट। देखो काफी बरसों से हम लोग इसको संभाल के रखे हुए, क्योंकि वो टाइम पे डिफेंस इतना हॉट फेवरेट नहीं था। पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर फेवरेट हो गया। यस। उसके बाद ग्रोथ भी बहुत अच्छा मिला। अब यहाँ पे हमने लास्ट क्वार्टर में ऐसा लिखा था, अभी तो देखो मैंने नए नतीजे डाले नहीं, मैंने मेरी उम्मीदें चार्ट में लिखी हुई है। मेरी उम्मीद क्या है? टारगेट कितना है मेरा? 240। मैं बाई किधर करने वाला था? 140 के नजदीक। राइट, अभी ये ट्रेंड कैसी है? इनके नतीजे कैसे आए? अच्छे आए। अब मैं इन बढ़िया नतीजों के हिसाब से अभी भी बोलूंगा नहीं 140 पे ही लेने का, तो मैं गलत हो जाऊंगा। यस सर। नतीजे ऐसे नहीं है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक 140 आए। यस करेक्ट सर। यस सर। इसलिए देखो बाजार करेक्शन में है एकदम। बाजार ने क्या लगाया? मैं वापस आपको बाजार दिखाता हूं। बाजार 1, 2, 3, 4 महीने से करेक्शन में है। बाजार ने तो लोअर लो भी लगा दिया। आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक ये हम ये कह सकते हैं पिछले 4 महीनों से चला नहीं है, लेकिन yes, कोई sir. एक महीना ऐसा है जब इसने लो लगाया? नहीं सर। करंट कौन सा रखा? राइट, नेगेटिव नहीं हुआ है अभी, अभी रेंज बाउंड है, बट इट्स नॉट नेगेटिव। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि ये जो अपना पेंडिंग टारगेट है उधर आएगा। राइट, अब ऐसे शेयर में बहुत नीचे उम्मीद नहीं करने का, कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है नीचे के लेवल पे थोड़े ऐड करके। अभी आपके पास बिल्कुल है बीजीएल? सर बीएल मैंने, मेरे पास था, पर यानी मैंने एक चीज देखा है बीएल में कि वो एकदम नहीं चलता है। तो जब चला था ना तो मैंने 225 पे आया था, तब बेच दिया था, अभी वापस ले लूंगा सर। ओके, तो क्या देखो बीएल वैसे भी हम 2% जितना रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। यस बराबर ना, क्योंकि हम ग्रोथ कितना उम्मीद करेंगे? देखो यहाँ कितना ग्रोथ मिला है, 11%। यस, तो जो डीमार्ट आपको 20% का ग्रोथ देखा, जो जुबिलेंट फूड देगा, जो लालपत दे सकता है, वो ग्रोथ आप इधर उम्मीद नहीं करोगे? यानी ऐसा ही था डिफेंस में, इससे पहले वाले में जब हमारा था ना ऐसे तो लाइव वाला, तो उसके अंदर ही ऐसे 11% का था। तो मैंने उस टाइम पे मेरा इन्वेस्टमेंट था उसमें 250 शेयर था मेरे पास। अच्छा। फिर ऐसे ही आपने उस टाइम पे कहा था, और एक दो अपने और पार्टिसिपेंट, उन्होंने भी बोला था कि उससे अगर तो डीमार्ट ले लो, अच्छा है कि अच्छा ग्रोथ दे रहा है। फिर मैंने जब उसका एक बार वो पुल बैक आया तो मैंने उसको बेच के वहां से निकल के फिर डीमार्ट ऐड किया। बराबर है, पर इसको कितना रखने का? देखो 2%। राइट, अब हमारे पास बरसों से है, हम पूरा कभी नहीं बेचेंगे, कभी नहीं। ऑलमोस्ट कितने भाव का होगा पता है? ये जमाने का है, ये दिख रहा है, ये जबरदस्त जब टूटा था। हाँ। तो ये पूरी रेंज में आए हुए है, यहाँ पे लिए हुए है, ये समय के है, पिछले कोविड के समय के है, तो एवरेज काफी अच्छी है ये शेयर। 240 पे बेचेंगे तो कितना बेचेंगे पता है? 5-10%। Yes. पर ये हमेशा पोर्टफोलियो में 1-2% तो रहने देंगे।
राइट, अभी मान लो कि आपके पास बिल्कुल नहीं है तो आधा टका रखो राइट, ताकि गिरेगा तो थोड़ा और ले पाएंगे राइट। जिनके पास भी नहीं है कितना रह सकते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील आपको 1% रखना है, बिल्कुल नहीं है ले लो थोड़े ना, आधा टका तो ले लो, गिरेगा तो भी खुश, चलेगा तो भी खुश, चलेगा तो शेयर है तो खुशी है, गिरेगा तो पैसा है तो खुशी है। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक। और देखो कितना हम लोगों ने, कितना आसान है, मुझे अभी हम लोगों ने आप लोगों के साथ ये जो नतीजे डिस्कस किए, तो ऐसा नहीं है कि नतीजे डिस्कस करें मतलब ये सब हाईली कॉम्प्लिकेटेड चीजें हुई, बस थोड़े लॉजिक्स यहाँ पे लगाने हैं राइट। तो यहाँ पे दो लोगों ने हैंड रेज किए हुए, लेट मी डिस्कस विद देम आल्सो। पारस पटेल ने हैंड रेज किया हुआ है, कहिए पारस भाई क्या क्वेरी है आपको। सर मैंने वो इन्फो एज का किया है काम, तो सर एक बार जरा देख ले उसमें मेरे को क्वेरी है। इन्फो एज, इन्फो एज के तो देखो मेरे भी रिजल्ट देखने बाकी है, मैंने भी नहीं देखे अभी, और वैसे तो देख लेने चाहिए क्योंकि अपनी वन ऑफ द टॉप कंपनी है वो, लेकिन अभी तक नहीं देखे, कोई चिंता नहीं। अभी क्या है बहुत डर नहीं लगता है, पता रहता है कि चलो थोड़े थोड़े ऐसे ही आएंगे, दो तीन दिन में देख लूंगा मैं, पर चलो अभी आपने देखा है तो मैं थोड़ा आइडिया क्लियर होगा। सर एक तो थोड़ा फटाफट देखेंगे है ना, जितना डिटेल में देखा वैसा नहीं चलेगा सर। ओके, कहाँ है 9 मंथ आपके? 9 मंथ डाल दिए सर नीचे मैंने। अच्छा, धंधा कितना सर? ये एक्चुअली जोमेटो का जो बिल था, मतलब जोमेटो का होल्डिंग था ना सर, उसका 8,400 करोड़ का उसका ये दिख रहा है राइट। रियलाइज प्रॉफिट उसका जो अनरियलाइज गेन जो आया है उसकी वजह से है, बराबर राइट। सर उसकी वजह से मेरा जो ईपीएस है ना वो सर एकदम कंप्लीट हो रहा है राइट, पर वो टेम्पररी है, वो एक ही साल का है, अगले साल से वापस ये निकल जाएगा। हाँ तो उसको ये करने का कैसे सर, मतलब अभी आपको वो देखना पड़ेगा कि जोमाटो की वजह से कितना ईपीएस आया है सर, और इनका एक्सेप्शनल इनकम ना गिने तो कितना प्रॉफिट आएगा सर। मैंने नीचे लिखा हुआ, जरा एक बार आप देख लेंगे, देखिए एक मिनट, ये है ना सेगमेंटल रेवेन्यू में लिखा हुआ है गेन, ये रहा देखो 8,400 करोड़ है ना। हाँ ओके, अब देखो अंदाजे से मैं यहाँ पे आपके नतीजे देखू तो इनको 12,000 करोड़ के प्रॉफिट में से 8,000 करोड़ तो किधर से आया है? इधर से, जोमाटो से, जोमाटो में से राइट। तो ऑलमोस्ट कितना हुआ ये, तो 4,000 करोड़ मतलब रियल प्रॉफिट 4,000 करोड़ है ना जो टिकेगा इनके पास। ये 8,000 करोड़ भी अगले साल से नहीं आने वाला है, बराबर है। तो 12 में से इनका रियल प्रॉफिट अगर खाली 4 है तो अब 942 के ईपीएस में इनका रियल प्रॉफिट कितना होगा उसके हिसाब से ईपीएस आप गिन लो राइट सर राइट। फिर भी मैं इसको प्रॉपरली रिसर्च करके मैं एक दो दिन में अपडेट कर दूंगा राइट सर। ये मैं आपको खाली देखो पारस भाई लॉजिक बता रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हो राइट। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी भी कर लूंगा और मैं सारी जानकारी दे दूंगा आपको राइट। पर ये देखो आपने समझा वो बहुत ही अच्छा किया कि इनका रियल ईपीएस नहीं है, मतलब 942 इस बार है तो इस बार आपको ईपीएस हजारों में आएगा है ना, पर वो अगले साल नहीं आने वाला है, मतलब इधर वापस ईपीएस कितना हो जाएगा पहले की तरह, इस बार आपका ईपीएस 1,000 हो सकता है पर अगले साल वापस से वो यही लाइन में आने वाला है 55 के बाद 80, 90, 100 राइट। तो हम फेयर वैल्यू इसके हिसाब से नहीं गिन सकते हैं, टेम्पररी ईपीएस के हिसाब से राइट। आपको इस बार डिविडेंड बढ़िया मिलेगा क्योंकि अनएक्सेप्शनल आपको इनकम आई है, तो चलो डिविडेंड इस बार बढ़िया आ जाएगा राइट। सर एक और क्वेरी थी सर। हाँ जी सर, जरा नीचे एक बार जाए ना नीचे। सर ये देखिए इसका जो है ना जो सेगमेंटल रेवेन्यू है ना, तो इसको खाली पैसा आ रहा है सर रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन से ही पैसा आ रहा है, बाकी जो 99 एकर्स है ना वो तो सर लॉस ही कर रहा है इसका। देखो इनको 99 एकड़ लॉस कर रहा है ऐसा नहीं है पारस भाई। हाँ इनकी सब कंपनी लॉस कर रही है, सिर्फ एक कंपनी प्रॉफिट में है। हाँ, रिक्रूटमेंट उसका नाम क्या है? naukri.com राइट। बाकी 99 एकड़ लॉस कर रहा है, वो शादी वाली जो कंपनी है इनकी जीवन साथी लॉस कर रहा है राइट। इनकी जो दूसरी बढ़िया बढ़िया कंपनी है जहां पे इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, पॉलिसी बाजार हो, जोमाटो, सब लॉस कर रही है। तो फिर सर ये इस पे फिर हम लॉन्ग टर्म फेथ कैसे रख सकते हैं, अगर इतने सेगमेंटल में खाली एक ही सेगमेंट उसका अगर चल रहा है कंपनी,
फिर इसको सर हम कितना फीड रख सकते हैं? राइट, देखो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा पता है, मैं ये HDFC लाइफ का डेटा ओपन कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है किसने किया है। देखो ये कंपनी, एक मिनट यहां पे, ओके, ये जो कंपनी है आपकी HDFC लाइफ, ये बरसों से प्रॉफिट नहीं कर रही है। 2006 से पहले क्या करती थी पता है? लॉस में थी, पर इनका धंधा वो समय भी बढ़ता जा रहा था, पर यहाँ पे लॉस कर रही थी, पर हमको क्या पता था धंधा तो बढ़ रहा है ना, तो कल इसको बढ़ना ही है, राइट। और इसीलिए HDFC लाइफ जो लॉस कर रही थी वो आज इतना बढ़िया प्रॉफिट कर रही है कि हमें उम्मीद ही नहीं है कभी लॉस करेगी। तो वो नया सेक्टर था। अब जो आपका इन्फो एज जो है वो इंटरनेट रिलेटेड सेक्टर की कंपनी है, जहां पे कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है पारस भाई, नन कंपनीज मेक प्रॉफिट, इनकी नहीं, दूसरी जो बाहर की दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी भी लिस्ट नहीं हुई है, फ्लिपकार्ट लॉस करती है। फ्लिपकार्ट तो कितनी बड़ी कंपनी है, 30,000 करोड़ का धंधा, मतलब उसके उसकी जितनी बड़ी कोई भी कंपनी, इंडियन ई कॉमर्स की कंपनी नहीं है, बराबर वो लॉस कर रही है। आपकी ये जो मेक माई ट्रिप है सबसे बड़ी टूरिज्म की कंपनी, वो लॉस कर रही है। तो उम्मीद मत रखो कि ये सेक्टर अभी प्रॉफिट करे, पर फिर भी उसमें आप सोचो इनकी Naukri.com कैसे प्रॉफिट कर रही है जब पूरी दुनिया लॉस कर रही है। ये एक डिमांडिंग इंडस्ट्री को ताल्लुक रखती है, राइट। इंडिया में नौकरियों के धंधे में जबरदस्त वृद्धि आएगी। इसके अलावा 99 एकड़ इनकी बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन रियल एस्टेट अब तक कैसा चल रहा था पिछले 5-6 सालों से? मंदा था। तो ये लोग भी यहाँ पे अपने धंधे को बढ़ा नहीं पा रहे थे, पर अभी उम्मीद है कि 99 एकड़ भी प्रॉफिट मेकिंग होगी आने वाले टाइम में, जैसे ये लोग थोड़ा थोड़ा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम करेंगे, राइट। तो आप आज देख रहे हो तो आज आपको एक कड़वी सच्चाई पता चल रही कि ये जो प्रॉफिट जो दिखता है ना इनका, ये असल में Naukri.com ज्यादा प्रॉफिट करती है, पर इनका सब प्रॉफिट कौन खा जाता है? बाकी सब इनकी जो भी कंपनी आए वो सब मिलके। तो अभी आपके हाथ में जो लगना चाहिए उससे भी कम लगता है। ये तो एक Zomato की लॉटरी अलग से लग गई, IPO जोरदार रहा तो ये अनरियलाइज गेन आ गया, नहीं तो Zomato भी इनको हर साल क्या कराता है? लॉस कराता है, राइट। इनफैक्ट मैं आपको और एक बात बताऊं, इन्होंने पिछले साल आपने देखा यहाँ पे लॉसेस हुए थे इनको, ये 250 करोड़ का लॉस किया था ना इन्होंने, ये क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने कुछ कंपनियां जो लॉस ही लॉस कर रही थी और जहां पे उम्मीद नहीं थी प्रॉफिट करने की, उनको बेच दिया था, तो ये रियलाइज्ड लॉस था जो उनको लेना पड़ा, राइट। और इस बार इनको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ है Zomato से जो इन्होंने अगेन लिया है। तो ये सब चलता जाएगा। लॉन्ग टर्म स्टोरी समझो कि इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में Naukri.com का स्टेक है, और ये सब कंपनियां आने वाले 5 साल में इनमें से बहुत सी लॉटरी लगने वाली है। Zomato जैसी कंपनी आओगी, Zomato भी कल बढ़िया प्रॉफिट करेगी, जैसा आज HDFC लाइफ कर रही है, AMC की कंपनियां कर रही है। इमर्जिंग सेक्टर की कंपनियां शुरुआत में लॉस ही करती है, राइट। लॉजिकल बातें मैं इसलिए कहूंगा, देखो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या होता है पता है? अब Zomato जैसे कंपनी है, Zomato में बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, किसको? प्रमोटर्स को, क्योंकि Zomato जो है वो लॉस कर रही है, और उनके प्रमोटर को भी पता है कि हम और थोड़ा समय लॉस करेंगे, क्योंकि अभी तो इंडिया में 130 करोड़ लोग है, इंडिया में 40 करोड़ परिवार है, तो ये 40 करोड़ परिवार में से 20 करोड़ तो लोगों के लॉगिन में आ जाना चाहिए ना Zomato, तो ये हर एक के मोबाइल में घुसना चाहते हैं, तो इनको जबरदस्त स्पेंडिंग करना पड़ेगा इसके लिए, राइट। तो ये अभी स्पेंड कर करके अपनी ऐप को फैलाते जाएंगे, राइट। जब सफिशियंट
ऐप डाउनलोड होगी, इनका बिजनेस तो अच्छा ही है, प्रॉफिट करेंगे। तो इनके प्रमोटर को पता है, जिन्होंने निवेश किया है उनको भी पता है, जो बड़े बड़े निवेशक है, कि भी इसमें थोड़े थोड़े बड़े निवेशकों को लाना पड़ेगा। इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। समझ में आया? तो जोमैटो को क्या चाहिए? बार बार पैसा चाहिए। इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, क्या ये प्रॉफिट करती है? नहीं करती। तो मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, राइट? पर आपको लॉजिक समझ के करोगे ना तो प्रॉपर डिसीजन होगा। फॉर्मूला नहीं करने का कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऐसा है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो ऐसा है, तो मैं इसको नेगेटिव या पॉजिटिव का स्टैंप मार दूं, राइट? जनरल केस में ऐसा होता है कि कुछ कंपनियों को पैसे पैसे दे चाहिए ही चाहिए हर छह महीने में, तो ऐसी कंपनियां अच्छी नहीं है जहां पे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आता जाए, बराबर है? ओके, देखो अभी फ्यूचर कंपनी में इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आएगा, रिलायंस खरीदेगी या तो फिर अमेज़न खरीदेगी तो पैसा देगी डेब्ट चुकाने के लिए एनसीएलटी में, तो वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हुआ, पैसा आया अंदर, पर वो रियल प्रॉफिट नहीं है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो के आने से एक नेगेटिव चीज होती है, आज आप 10 शेयर होल्डर हो तो भविष्य में प्रॉफिट आप 10 में बंटने वाले हैं, पर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आया मतलब कि किसी ने पैसा डाला, अब उसने पैसा डाला तो उसको स्टेक भी तो बढ़ जाएगा, तो आप 10 के बदले 15 पार्टनर होंगे, तो आपका तो धीमे धीमे आपका शेयरिंग कम होता रहता है, अच्छी बात नहीं है ये, राइट? चलिए तो फिर मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे नरेश गोयल जी ने हैंड रेस किया हुआ था, यस कहिए नरेश भाई। अभी तो हैंड डाउन हो गया। हाँ जी सर, हेलो सर। यस यस कहिए सर, जोमेटो से इतना बड़ा कैसे प्रॉफिट आया इनको सर? ये अनरियलाइज है, ये रियलाइज नहीं है। इनको जो गेन मिला ना आईपीओ में उससे इनको गिनना पड़ेगा, ये रियलाइज प्रॉफिट नहीं है। जोमैटो का इतना गेन हुआ, अब जोमैटो का मेन होल्डिंग किसके पास है? नौकरी के पास है, तो इनको बताना ही पड़ेगा वो प्रॉफिट। मार्केट कैप ज्यादा हो गई है ना इसके। हाँ, अब उनकी कंपनी की देखो, ये तो बेटा बाप से बड़ा हो गया। नौकरी डॉट कॉम खुद कितना धंधा करती है? 1100 करोड़। और जोमैटो कितना धंधा करता है? जोमैटो 2000 करोड़ से ज्यादा। जी सर, बराबर ना? तो एक समय जोमैटो को पैसे की जरूरत थी, इनको उनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इन्होंने पैसा डाला, देखो आज वो कंपनी इनसे बड़ी हो गई, राइट? और इसका फायदा भी इनको मिला, बराबर है? जी सर, जी सर। और सर, हाँ कहिए, बोलो। जेएसडब्ल्यू के बारे में पूछना था। हाँ बोलो। 650 अभी इसका भाव चल रहा है सर, और आपने जो वो फेयर वैल्यू आपके हिसाब से 1000 है। हाँ, मेरे हिसाब से तो 1000 रुपया फेयर वैल्यू हो रही है। हाँ, तो अभी अभी तो लेना ही चाहिए ना तो सर? हाँ, लेना ही चाहिए ना, लेना ही चाहिए। देखो आपने सर 540 लिखा है बाइंग रेंज में सर। अब देखो, बाइंग रेंज मैंने 540 लिखी हुई है, उसके कुछ कारण है, अभी वो मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो हम अगले एपिसोड्स में सीखने वाले हैं। पर कभी भी प्रॉपर बाइंग रेंज को पकड़ के नहीं रखने का कि मैं 540 आएगा तभी बाय करूंगा, ऐसा नहीं है। अभी भी वो ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा तो ले ही सकते है ना। आपके पास अभी है क्या जेएसडब्ल्यू स्टील? नहीं है, तो देखो होना ही चाहिए। अगर आपको 1% इकट्ठा करना है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, 1% इकट्ठा करना है, तो आप अभी 0.25 तो ले लो। जी सर। राइट, 0.50 ले लो क्योंकि नजदीक ही है। जी सर। दूसरा 0.5 पैसा जो है ना वो कैश रखो अपने पास। जी सर। ताकि जब अपने भाव पे आता है जेएसडब्ल्यू और टूटता है तो आपके पास पैसा है वो जेएसडब्ल्यू और लेने के लिए, तो हम दुखी नहीं होंगे। जी सर। पर जिस दिन इसका रॉकेट निकलेगा उस दिन ये सीधा 1000 आ जाएगा। तो देखो, हमने कुछ प्रयास किया कंपनी के रिजल्ट जानने का, कंपनी के चार्ट्स देख के उसको समझने का हमने प्रयास किया, राइट? अभी वापस से अब आप लोग दोस्तों थोड़ा रेडी हो जाओ, बराबर? देखो रेडी किस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ, अभी तक चार्ट को हमने इतनी गहराई से नहीं देखा है, ये तो खाली ऊपर ऊपर से थोड़ा हम मछलियां पकड़ रहे हैं। अब ये वीक से आपकी रियल चार्ट में पढ़ाई चालू होती है, तो अभी आप इधर उधर होंगे,
फोकस नहीं किया तो मजा नहीं आएगी। देखो फंडामेंटली में कैसा आपने इतना बढ़िया फोकस रखा, तो हम कितने बढ़िया आप रिसर्च कर रहे हो। मैं आपको बता दूं ये इतने डेप में जो आप लोगों का रिसर्च है ये नॉर्मल नहीं है, ये आम लोगों का रिसर्च नहीं है, ये बड़े निवेशकों का रिसर्च है, राइट। टेक्निकल पहले से ध्यान, मैंने अभी तक एकदम लाइटली इसलिए लिया कि थोड़ा मैं चाहता था आपके हाथ बैठ जाए। अब ये वीक से हम छलांग लगाएंगे सीधा तालाब में और उसमें से बढ़िया रिसर्च करने का प्रयास करेंगे टेक्निकली, राइट। जिग्नेश भाई ने हैंड रेस किया है, यस जिग्नेश भाई। सर एक कजारिया का देख लेंगे जरा, कजारिया सिरामिक, ओके। मैंने अभी जस्ट अपडेट किया आज ही ऑफिस से घर आते समय, मैंने भी अच्छा रिजल्ट आया। मैंने भी ऑफिस से घर आते समय किया, इसलिए मेरे को 2-3 दिन से देखने का रह गया था और ये बजट सब कुछ आ गया तो डिले हो गया था थोड़ा। चलो ये कजारिया, चलो मैं रिजल्ट देख के हैप्पी हुआ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी थोड़ा जिग्नेश भाई डर था कि इनके भी थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे इन्फ्लेशन से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या है नतीजे सर? नतीजे तो नहीं देखे सर, लेकिन वो एस्टीमेट जो किया है वो सही है, वही जानना था। हाँ ये आपने 9 मंथ के नतीजे डाले ना, ये जो डेटा है ये होता है। हाँ हाँ यस। तो कैसे है एस्टीमेट? अच्छे हैं, वो सेल्स भी 39 से बड़ा है, पोस्ट भी बड़ा है, लेकिन उसके सामने प्रॉफिट भी इन लाइन है सेल्स के साथ ही। देखो इन्होंने भी लिखा है रिजल्ट में, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि खर्चे थोड़े इनके किधर बढ़ गए थे, गैस में मतलब फ्यूल में कॉस्ट बढ़ा था, जिसका थोड़ा मेरे को डर था, लेकिन इतने नहीं बढ़े, अभी ये कंफर्टेबल है। जितना धंधा उतने खर्चे, ये तो नॉर्मल चीज है, इतना तो होगा ही, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मिली है, मार्जिन भी इनके 12% है, इट्स ऑल राइट। आपने जो एस्टिमेट रखे है वो आपने 20% सेल्स ग्रोथ के रखे और 20% प्रॉफिट ग्रोथ के रखे, कंजर्वेटिव है मतलब, बराबर है। देखो ये बिल्कुल सही आपके एस्टिमेट है, कंजर्वेटिव भी है, मेरे को नहीं लगता है इसके नीचे तो नतीजे इनके आने से रहे, आएंगे तो इससे तो अच्छे ही आने वाले हैं नतीजे, राइट सर? यस यस। ट्रेल ईपीएस आपका कितना है? ट्रेल नहीं निकाला है, Q4 का तो भूल गया था मैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। जा रही है ट्रेल इनका 26 रुपए का है। देखो मैंने कितना उम्मीद रखा है पता है, 30% दोनों सेल्स 30 और प्रॉफिट मैंने 35% उम्मीद रखा है, लेकिन ईपीएस मैंने 30 उम्मीद किया है। ऐसा क्यों? देखो ऐसा जनरली नहीं होता है, आप जितना प्रॉफिट उम्मीद रखोगे उतना ईपीएस उम्मीद रखोगे, दिग्नेश भाई है ना? Yes, पर ऐसा फर्क क्यों यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, कोई आइडिया? इक्विटी बढ़ी होगी सर। हाँ देखो नतीजों में ही है, प्रॉफिट 61% से बढ़े पर ईपीएस 55% से बढ़े, तो ये 5% तो हमारा खा गए, तो इक्विटी बढ़ी हकीकत है। तो अब मैं जब उम्मीद रखूंगा प्रॉफिट में तो भी मैं तो उम्मीद 5% कमी रखूंगा ना, राइट। तो मैंने उम्मीद रखी 35% प्रॉफिट ग्रोथ और 30% ईपीएस ग्रोथ, तो मेरे हिसाब से 25 का ईपीएस बन रहा है, 650 का फेयर वैल्यू बन रहा है, राइट। कभी भी फॉल आता है जरूर मैं फॉल में इसको ध्यान में रखूंगा, राइट। देखो हमने जस्ट कितना समय ये नहीं चलता था, हम ये कहते थे कि भाई इकट्ठा करो कजारिया को उठाओ, क्योंकि ये सबसे बढ़िया कंपनी है सेरामिक की। अब तेजी में जो लोग लेने आएंगे उनको कहां ये हाथ लगने वाला, बराबर। अब हम क्या उम्मीद रखेंगे, देखो टारगेट क्या है मेरा, टारगेट 2200। मैं नीचे ये जो रेंज है मैंने ये कलर किया हुआ है, थोड़ा डार्क कलर कर देता हूं ताकि आपको दिखे, 1100 से 900 की एक रेंज बनाई है, यहां पे मैं इकट्ठा करूंगी, राइट। बाकी टारगेट इसका मैं रखूंगा 2200 रुपए का, बराबर जिग्नेश भाई? ये सब तो आपका बिल्कुल सही है, क्लियर एकदम? यस यस। चलो अभी हमारा चार्ट सीखने का टाइम है ना, कि भाई ये सब हम टारगेट ना सब कैसे करते हैं, राइट।
तो अगले वीक से मतलब कल से ही आप लोग थोड़ा एक्टिव रह जाइएगा, और कल से हम वापस पूरा नहीं पहले की तरह एक्सरसाइज भी चालू कर देंगे, राइट? तो लेट अस गेट अगेन अल्ट्रा एक्टिव लाइक वी वर प्रीवियसली, और बहुत मजा आएगा ये सब सीखने में. ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी. दोस्तों जय हिंद.